नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी एजुकेटर नमित कुमारी वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल पे जिसका नाम है कॉमर्स हरिकेन्स। एंड हम जो टॉपिक कर रहे हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट, उसी के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है मार्केटिंग मिक्स। ठीक है, तो इस टॉपिक को करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताना चाहूंगी, क्योंकि मार्केटिंग मिक्स की डेफिनेशन आपको बुक्स में हर जगह मिल जाएगी, लेकिन मार्केटिंग मिक्स आया क्यों ये भी तो आपको पता होना चाहिए ताकि आप और ज्यादा कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी ले सकें। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए, आप सभी ने मार्केटिंग में पढ़ लिया है कि मार्केट के अंदर सामान को जब आप लॉन्च करते हो तो उसको लॉन्च करने के टाइम पर सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है क्या, क्रिएट अ मार्केट ऑफरिंग। जिसका क्या मतलब है कि मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं, तो आपके प्रोडक्ट में ऐसा क्या खास है कि जो लोग आपके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मार्केट ऑफरिंग में अपने प्रोडक्ट के अंदर वो खास बातें डालते हैं, वैल्यू डालते हैं अपने प्रोडक्ट के अंदर, जिसकी वजह से कस्टमर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। ठीक है, ऐसी चीज डालेंगे जो और किसी के पास ना हो, किसी के प्रोडक्ट में ना हो और सिर्फ आपके प्रोडक्ट में हो। यानी कि आप क्या कर रहे हो, मार्केट में ऑफर कर रहे हो अपना प्रोडक्ट ताकि कस्टमर ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट हो सके। ठीक है, अब आपके मार्केट की पॉलिसीज एंड आपके प्रोडक्ट की पॉलिसीज को अफेक्ट करने के लिए बहुत सारे वेरिएबल्स एंड फैक्टर्स होते हैं, जिसमें हम दो फैक्टर्स जानते हैं। फर्स्ट इज बेसिकली टू टाइप्स होती है, कंट्रोलेबल एंड नॉन कंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि आपके प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा, उसकी डिजाइन, साइज, कलर, शेप, क्वालिटी क्या होगी, ये सारी चीजें आप खुद डिसाइड करते हो, किसी और से नहीं डिसाइड करवाते। तो ये सारी चीजें आपके कंट्रोल में है। ठीक है, और अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स कौन से होते हैं, जो आपके कंट्रोल के बाहर होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ने कोई नई पॉलिसी लॉन्च की है तो उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा, गवर्नमेंट आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगी। ठीक है, तो मार्केटिंग मिक्स जो था ना, बेसिकली फंडा क्या था, मार्केटिंग मिक्स ने जब देखा कि हम अपने प्रोडक्ट के लिए मार्केट ऑफरिंग बना रहे हैं लेकिन उसको बनाने के लिए हमें बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ रहा है, तो इनमें से ये वाले फैक्टर्स हैं जिसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, तो क्यों ना मैं इन सभी फैक्टर्स को कंबाइन कर लूं और इनको कंबाइन करके इस तरीके से मोल्ड करूं, इसकी शेप ऐसी बना दूं कि इससे मेरे प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाए। बात समझ रहे हैं आप, कि जैसे कि प्रोडक्ट का प्राइस, शेप, डिजाइन, कलर, ये सब चीजें मैं बैठ के डिसाइड करूं, सारा काम मैं करूं ताकि मेरे प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़े। ठीक है, तो जब उसने ऐसा सोचा और उसने चीजों को कंबाइन कर लिया तो वो कॉम्बिनेशन क्या बन गया, मिक्स, यानी कि मिक्सचर। जैसे कि आप एक नॉर्मल मिक्सचर की बात करते हैं, जब दो या दो से ज्यादा चीजें कंबाइन कर दी जाती हैं वो मिक्सचर बन जाता है, तो वैसे ही मार्केटिंग के टाइम पर, यानी प्रोडक्ट को बनाने से लेकर उसको बेचने के बाद आपने फिर सर्विसेज तक आपने जितना भी काम किया अपने प्रोडक्ट को बूस्ट करने के लिए, इसकी सेल्स को बढ़ाने के लिए, तो वो सारी एक्टिविटीज क्या हो गई, वो कॉम्बिनेशन क्या हो गया, मार्केटिंग मिक्स हो गया। ठीक है, तो डेफिनेशन भी वही है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, यानी ये सभी वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन जो एक फर्म ने चूज किया, किस लिए, ताकि वो अपने प्रोडक्ट के लिए मार्केट ऑफरिंग बना सके, उसे हम मार्केटिंग मिक्स कहते हैं। है ना, कितना सिंपल। ठीक है, अब हम मार्केटिंग मिक्स का फंडा समझ चुके हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि हमने यहाँ मिक्स की बात की है, यानी बहुत सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व हुई होंगी, तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसका यहाँ इन्वॉल्वमेंट है, लेट्स डिस्कस दैट। ठीक है, तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स आते हैं, एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स, यानी कि मार्केटिंग मिक्स के अंदर आपने किन किन चीजों को फोकस करना है, आप यहाँ पर बेसिकली चार चीजें लेकर चलते हो, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। यानी कि जब आप इन चारों चीजों के बारे में सोचते हो और इनके अंदर होने वाली एक्टिविटीज को कंबाइन कर लेते हो ना, तो वो आपका मार्केटिंग मिक्स बन जाता है। ठीक है, तो पहले हम प्रोडक्ट की बात करते हैं कि प्रोडक्ट क्या होता है। चलिए आप ही बताइए कि प्रोडक्ट किसे कहते हैं। करेक्ट, बिल्कुल सही आपने कहा कि कोई भी ऐसी चीज जो आपकी नीड को सेटिस्फाई करती है, जिसे आप यूज करते हो, वो आपका प्रोडक्ट होता है। ठीक है, बहुत सही बोला आपने, लेकिन ये तो एक लेमैन की भाषा है। एक आम इंसान से अगर पूछे तो वो यही बोलेगा कि कोई भी ऐसी गुड्स, यानी कि फिजिकल, जिस चीज को मैं फिजिकली देख सकता हूँ, उस चीज को जो मैंने यूज किया तो वो मेरा प्रोडक्ट हो गया। बट ऐसा नहीं है, बिजनेस के स्टूडेंट हैं आप, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट जो है वो इससे कहीं ज्यादा है।
प्रोडक्ट का बेसिकली मतलब पता है क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज, कोई भी एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज जो आपकी नीड को सेटिस्फाई कर पाए, वही आपका क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट हो जाएगा। जैसे कि सपोज करते हैं मेरी नीड इस टाइम क्या है कि मेरे पास बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है और मैं इसको किसी बैंक में कहीं डिपॉजिट करना चाहती हूँ, ठीक है? तो बैंक मुझे ये सर्विस दे रहा है ना कि आइए आप हमारे अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर दीजिए, अपने अकाउंट खोलिए, वहां सेफ रख लो अपना पैसा। तो मेरी जो नीड थी वो किसने फुलफिल की? बैंक ने। क्या बैंक कोई प्रोडक्ट है? नहीं ना, बैंक तो एक इंस्टीट्यूशन है जो मुझे क्या दे रहा है? सर्विसेज दे रहा है। तो प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ? गुड्स एंड सर्विसेज, दोनों ही चीजें जो आपकी नीड को सेटिस्फाई कर देगी, वही आपके लिए प्रोडक्ट हो जाता है। क्लियर हो गया प्रोडक्ट का फंडा? अब आप मुझे ये बताइए कि प्रोडक्ट के अंदर कितने एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है कि कितने गुण हैं उसके अंदर, ठीक है? तो प्रोडक्ट की जो एट्रीब्यूट होते हैं ना, वो दो होते हैं दोस्तों, ठीक है? मेनली हम उसको टू एट्रीब्यूट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फर्स्ट एट्रीब्यूट होता है टेंजिबल एंड सेकेंड इनटेंजिबल। यानी कि टेंजिबल मतलब जिस चीज को आप देख सको, और इनटेंजिबल का मतलब जिस चीज को आप नहीं देख सकते, ठीक है? तो सपोज करते हैं ये क्या है? मार्कर नजर आ रहा है, टेंजिबल है। ये क्या है? बोर्ड नजर आ रहा है, टच कर सकते हो, तो ये क्या है आपका? टेंजिबल। यानी इस प्रोडक्ट का टेंजिबल एट्रीब्यूट, ऐसा गुण जो मुझे नजर आ रहा है, ठीक है? तो इनटेंजिबल एट्रीब्यूट क्या हो जाएगा? ऐसा गुण जो मुझे नजर नहीं आ रहा, मैं उसे टच भी नहीं कर सकती, लेकिन मैं उसे फील कर सकती हूँ। जैसे कि एक प्रोडक्ट की गुडविल, उस प्रोडक्ट की रेपुटेशन। अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो आपको गारंटी दे रहा है, वारंटी प्रोवाइड कर रहा है, आपको सेल सर्विसेज दे रहा है, ठीक है? तो ऐसे प्रोडक्ट के अंदर आप अपने आप ही अट्रैक्ट हो जाओगे, ठीक है? आप कहोगे कि अच्छा, इस प्रोडक्ट के अंदर जो बेसिक फीचर्स हैं वो तो है ही, लेकिन इसके साथ ही मुझे आपको सेल सर्विसेज, गारंटी वारंटी सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं इसी प्रोडक्ट को खरीद लूं। तो अब आपने क्या किया, उसकी फिजिकल अपीयरेंस के अलावा उसके पीछे जो इनटेंजिबल एट्रीब्यूट्स थे ना, उनको भी आपने ध्यान में रखा और फिर वो प्रोडक्ट खरीद लिया, ठीक है? तो प्रोडक्ट के अंदर दोनों गुण होते हैं, और सबसे ज्यादा ज्यादातर चीज सर्विसेज होती है उसमें इनटेंजिबल ही सबसे ज्यादा वर्क करता है, क्योंकि सर्विसेज में दिखाई तो कुछ देता नहीं है, बस आपको वो चीजें फील होती है कि इसकी सर्विस अच्छी है, इसकी सर्विस अच्छी नहीं है। क्लियर हो गया? अब हम आगे पढ़ते हैं कि प्रोडक्ट कितने तरह के सेटिस्फेक्शन दे सकता है, ठीक है? सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड बाय प्रोडक्ट। देखिए, हमारे पास तीन टाइप्स की सेटिस्फेक्शन होती है जो प्रोडक्ट देता है। पहली है फंक्शनल सेटिस्फेक्शन, ठीक है, फंक्शनल सेटिस्फेक्शन। सेकंड है साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, एंड थर्ड जो है हमारे पास वो है सोशल सेटिस्फेक्शन। मतलब कि जब आप एक प्रोडक्ट को यूज करते हो तो आपको किस तरह की सेटिस्फेक्शन मिलती है। सबसे पहली बात करते हैं फंक्शनल की, ठीक है, जो सब हर प्रोडक्ट में होना चाहिए। ये तो ना भी हो चलेगा, बट ये तो हर प्रोडक्ट में होना चाहिए। अब आप कहेंगे ये क्या है फंक्शनल सेटिस्फेक्शन का मतलब? पता है क्या होता है कि जो प्रोडक्ट आपने बनाया है ना, उसका बेसिक फंक्शन क्या है। अगर वो प्रोडक्ट उस फंक्शन को प्रॉपरली परफॉर्म कर पा रहा है तो आपको फंक्शनल सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब सभी विंटर्स में ब्लेजर्स, कोट, जैकेट, स्वेटर्स क्यों पहनते हैं? ताकि आप ठंड से बच सके, है ना? अगर आपने एक ऐसी जैकेट खरीद ली जिसको पहनने के बाद भी आपको सीवियरली कोल्ड फील हो रहा है, ठीक है, उसमें प्रॉपर वार्मनेस नहीं है, गर्माहट नहीं है, तो क्या आपको वो प्रोडक्ट पसंद आएगा? कभी भी नहीं आएगा। आप कहोगे जिस समाज, जिस चीज के लिए मैंने प्रोडक्ट खरीदा, ये तो मुझे वही चीज प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, तो ये प्रोडक्ट तो बिल्कुल घटिया है, ठीक है? तो इसका मतलब उस स्वेटर का या उस जैकेट का फंक्शन क्या था? आपको ठंड से बचाना, जो उसने नहीं किया, तो इसका मतलब फंक्शनल सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, ठीक है? अब एक और एग्जांपल, समर्स में आपने एसी ऑन किया, क्यों करते हो? कि ठंड आपको अच्छे से मिले, गर्मी से आप बचो। तो अगर आपका एसी आपको प्रॉपर कूलिंग दे रहा है तो आपको कौन सी सेटिस्फेक्शन मिल रही है? फंक्शनल, क्योंकि जो काम एसी का है एसी वो काम कर रहा है। क्लियर है? सेकेंड आता है साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन का मतलब होता है कि जब हमारे दिमाग में हमें संतुष्टि मिलती है, मतलब हम अंदर से कॉन्फिडेंट फील करते हैं, बहुत हैप्पी फील करते हैं किसी प्रोडक्ट को यूज करने के बाद,
अब आप कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है? जी हाँ पॉसिबल है। सपोज करते हैं, बहुत जेन्युइन सा एग्जांपल है जो सबके साथ होता है। आपने एक नई ड्रेस खरीदी है, आप वो ड्रेस पहनकर टिकटॉक होकर परफ्यूम मार्केट घर से निकल जाते हो, ठीक है। रास्ते में तीन चार फ्रेंड्स आपको मिलते हैं, मगर उनमें से कोई भी आपकी ड्रेस की तारीफ नहीं करता है या आपकी तारीफ नहीं करता है, तो आपको कैसा फील होता है? आपको लगता है ना कि यार मैंने आज नई ड्रेस पहनी, मैं अच्छा सा बन के आया हूँ, फिर भी मुझे किसी ने प्रेज नहीं किया स्पेशली, ठीक है। फिर थोड़ा और आगे गए और फ्रेंड्स मिले, उन्होंने भी नहीं ना तो नोटिस किया ना आपकी तारीफ की, तो आपको बहुत बुरा फील होगा ना, आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, यानी कि आपको साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, ठीक है। लेकिन अगर एक लड़की जिसने अच्छी सी ड्रेस पहनी है और अच्छे से तैयार होकर बाहर गई है, उसको चार लोग कमेंट मार दे कि आप बहुत अच्छी लग रही हो, आपकी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है, तो वो अंदर से कॉन्फिडेंट फील करेगी और तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा कि वो मैं कितना अच्छा फील कर रही हूँ, ठीक है, कि मैंने बहुत अच्छी ड्रेस पहनी है, तो वो साइकोलॉजिकली सेटिस्फेक्शन उसे मिल रही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सोशल सेटिस्फेक्शन। इसका मतलब है कि जब आप एक प्रोडक्ट को यूज करते हो और उसको यूज करने के बाद सोसाइटी में अगर आपकी रिकॉग्निशन बनती है, आपकी वैल्यू बढ़ती है, सोसाइटी में आपका स्टेटस बढ़ता है, तो आपको सोशल सेटिस्फेक्शन मिलती है। जैसे कि अगर आपके पास ऑडी है, मर्सिडीज है या नौ लखा हार है, डायमंड का सेट, तो आपकी तो रेपुटेशन अपनी सोसाइटी में ऐसी बन जाएगी कि वाह भाई बड़े ठाट बाटे इसके, तो बहुत अमीर है ये तो, ठीक है। तो वो आपको सोशल सेटिस्फेक्शन दे रहा है वो प्रोडक्ट, क्लियर है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था मार्केटिंग मिक्स का। अभी मैं और वीडियोस बनाऊंगी, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि प्रोडक्ट मिक्स कैसे होता है। अभी तो हमने सिर्फ सीखा ना प्रोडक्ट क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे कि प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, देन प्राइस मिक्स, प्लेस मिक्स एंड प्रमोशन मिक्स, ठीक है। अच्छा मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ छोटा सा, कि अगर आप गुड्स की बात कर रहे हैं तो ताजमहल प्रोडक्ट है या सर्विस, ये मुझे जरूर बताइएगा कमेंट में, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके मुझे बताना कि ताजमहल प्रोडक्ट है या सर्विस, ठीक है। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड या किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कीजिए मेरी वीडियोस को, शेयर कीजिए अगर आपको पसंद आ रही है, ठीक है, और कमेंट भी कीजिए, एंड थैंक यू।